बैंकॉक में अपने लग्जरी विला के अंदर बैठा एक शख्स लैपटॉप चला रहा था कि अचानक बाहर से उसको जोरदार एक्सीडेंट की आवाज़ सुनाई दी। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उसकी अय्याशी वाली जिंदगी का कुछ ही मिनटों बाद द एंड होने वाला है, वह शख्स अपना लैपटॉप वहीं खुला छोड़कर बाहर की तरफ भागने लगा। कहने को तो एक लड़की ने अपनी टोयोटा कार को उसके विला के गेट से जाकर टकराई थी, पर असल में एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 मुल्कों की पुलिस इस दिन का पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे थे। ये बैंकॉक में 5 जुलाई 2007 की सुबह, और जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं ये कोई मामूली इंसान नहीं है। ये मल्टी मिलीनियर बादशाहों वाली जिंदगी गुजारता था। दिन को पोर्शा, शाम को BMW और रात को लैम्बोर्गिनी चलाता था। दुनिया की नजर में सॉफ्टवेयर डेवलपर, जबकि असल में ये एक किंग ऑफ डार्क वेब के नाम से पहचाना जाता था। वो शख्स जिसने सालों से अपनी आइडेंटिटी को छिपाए रखा, एक छोटी सी गलती उसका सब कुछ बहा गई, प्रॉपर्टीज, पैसा, दौलत, गाड़ियां और उसकी जान भी। पर आखिर वो छोटी सी गलती क्या थी और कैसे 7 मुल्कों की पुलिस ने कोलैबोरेशन के साथ दुनिया के सबसे वांटेड डार्क वेब किंग को ढूंढ निकाला। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह 2010 की बात है जब डार्क वेब आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा था। डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया का दूसरा रुख है, जहां हर किस्म के इलीगल काम होते, ड्रग्स और वेपन से लेकर टारगेट किलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स देने तक सारा काला बिजनेस यहीं पे होता है। यहां ऐसे ऐसे काम होते हैं जिसको सुनकर यकीन लाना भी हमारे लिए काफी मुश्किल है। डार्क वेब पे इस तरह के सारे कामों के होने के पीछे भी एक खास रीजन है। दुनिया भर में इलीगल काम करने वालों अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं ताकि पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की पकड़ में ना आ सके, और डार्क वेब पे इनका ये मसला हमेशा हमेशा के लिए हल होता नजर आ रहा था। जिस तरह नॉर्मल इंटरनेट पर ब्राउजिंग के लिए हम गूगल, क्रोम जैसे ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह डार्क वेब की वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए एक स्पेशल ब्राउजर यूज होते हैं, जो यूजर की आइडेंटिटी को बहुत सारे सर्वर के जरिए प्रोटेक्शन देते हैं। इनमें से एक का नाम टॉर ब्राउजर है। 2010 से पहले डार्क वेब का इतना रुझान नहीं था, लेकिन इसके बाद क्रिप्टो करेंसीज के आते ही इलीगल ट्रेड्स की पेमेंट ट्रांसफर करने का मसला भी हल हो गया, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक करना अथॉरिटी के लिए नामुमकिन है। डार्क वेब में इलीगल ट्रेड्स के सारे मसले हल हो चुके थे, कॉन्ट्रैक्टर की आइडेंटिटी की सेफ थी और पेमेंट ट्रांसफर करना भी काफी सेफ हो चुका था। अब सिर्फ एक चीज की जरूरत थी और वो था कोई अच्छा और रेप्यूटेटेड प्लेटफॉर्म या फिर डार्क वेबसाइट। सबसे पहले सिल्क रोड नाम की डार्क वेबसाइट बनी, जिसको इंटरनेट की इस अधूरी दुनिया में काफी कामयाबी मिली। इसकी शुरुआत फरवरी 2011 में हुई और उठते साथ ही इसको 1 लाख से ज्यादा कस्टमर्स ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन 2.5 सालों के बाद सिल्क रोड का मालिक पकड़ा गया और ये वेबसाइट बंद कर दी गई। पर क्योंकि इस बिजनेस की काफी डिमांड थी, तो कुछ ही दिनों बाद बहुत सारी नई डार्क वेबसाइट्स लॉन्च कर दी गई, जिसमें सिल्क रोड 2.0 और एवोल्यूशन नाम की वेबसाइट भी शामिल थी। इन वेबसाइट पे सेल परचेज के लिए कस्टमर्स अपने बिटकॉइन प्लेटफॉर्म को देते और परचेजिंग के बाद ये बिटकॉइन प्लेटफॉर्म पर कमीशन काट कर सेलर को मिल जाते। अब क्योंकि यहाँ होता ही सारा ब्लैक बिजनेस है, तो अक्सर वेबसाइट ऑपरेटर्स कस्टमर्स के सारे पैसे लेकर वेबसाइट बंद करके भाग जाते हैं, जिसको एग्जिट स्कैम भी कहते हैं। वैसे ही ना उनको कोई जानता था और ना ही, और फिर डार्क वेब की वजह से उनको ट्रेस करना भी एक नामुमकिन काम था। लिहाजा एग्जिट स्कैम की सूरत में ड्रग डीलर्स सिंपली दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो जाते। डार्क वेब के शुरुआती सालों में यहाँ बहुत घपले होते थे। एग्जिट स्कैम, प्लेटफॉर्म होनर्स का पकड़ा जाना और हैकिंग बहुत कॉमन थी। यहाँ एक रेप्यूटेड और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, और यही वक्त था जब 2014 में डार्क वेब पर अल्फा बे नामी डार्क वेबसाइट लॉन्च हुई। इसे लॉन्च करने वाले शख्स का नाम किसी को पता था, ना ही उसकी लोकेशन। वह अपने आप को अल्फा 02 के नाम से आइडेंटिफाई करवाता था। शुरुआत में अल्फा बे पर सिर्फ चोरी शुदा क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन बिकती थी, लेकिन बाद में यहाँ दूसरे भी प्रोडक्ट्स की सेल परचेज शुरू हो गई थी, जैसा कि मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स। कुछ चीजें ऐसी थी जिनको अल्फा बे पर ट्रेड करने की परमिशन नहीं थी, चाइल्ड एब्यूज और चोरी किए गए रशियन बैंक अकाउंट्स की डिटेल। पर ऐसा क्यों था? शायद अल्फा 02 रशियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से पंगा नहीं लेना चाहता, या फिर वो US लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को ये दिखाना चाहता था कि वो रशिया से बैठकर ये चला रहा है।
ऑफ कोर्स जहां यूएस का होल्ड नहीं है। पहले ही साल में अल्फाबे ने डार्क वेब पर अपने पैर जमाना शुरू कर दिया। एक ही साल में यहां 2,00,000 कस्टमर्स और 40,000 से ज्यादा सेलर्स अपना ब्लैक बिजनेस सुकून से करने लगे। 2017 तक अल्फाबे पर 3,00,000 से ज्यादा आइटम्स लिस्ट हो चुके थे और रोजाना करीब $5,00,000 की सेल्स भी होने लगी। अल्फा 02 जिसको कोई भी नहीं जानता था वो इन सेल्स से महीने में $6,00,000 कमाने लगा और देखते ही देखते डार्क वेब की दुनिया का अकेला बादशाह बन गया। अल्फाबे डार्क वेब की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस बन चुकी थी जिसने डीलर्स और कस्टमर्स के बीच अपना ट्रस्ट लेवल बना दिया था। इस सब के बीच दुनिया भर की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अल्फा 02 की असल पहचान जानने की कोशिश कर रही थी पर ताहल अभी तक नाकाम रही। अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स अल्फाबे की सर्वर लोकेशन जानना चाहते ताकि डाटा सेंटर पर रेड करके प्लेटफॉर्म बंद कर दिया जाए और शायद इससे अल्फा 02 तक पहुंचने का भी कोई चांस बन सके। नॉर्मली किसी भी वेबसाइट की सर्वर लोकेशन यानी जहां पर वेबसाइट होस्ट होती है वो मालूम करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन डार्क वेबसाइट क्योंकि सिर्फ टॉर ब्राउजर के जरिए एक्सेस हो सकती है जो दुनिया भर के रैंडम सर्वर्स के पीछे असल वेबसाइट की लोकेशन को छुपा कर रखता है। यही वजह थी कि अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स का अल्फाबे तक पहुंचना नामुमकिन था, लिहाजा वो अल्फाबे पर नॉर्मल यूजर बनकर ड्रग्स खरीदने लगे इस उम्मीद में कि ड्रग्स डीलर कभी कोई गलती करे तो हम उस तक पहुंच सके। पर इससे तो सिर्फ ड्रग्स डीलर पकड़ा जाएगा जबकि अथॉरिटीज को तलाश थी अल्फाबे के मास्टर माइंड अल्फा 02 की जो इस मामले में काफी एहतियात कर रहा था। उसको इस अंधेरी दुनिया में बचे रहने के सारे गुण मालूम थे। पिछले कई सालों में उसने छोटी सी भी गलती नहीं की जो अथॉरिटीज को कोई इशारा दे सके, लेकिन फिर भी 2017 में अथॉरिटीज को अल्फा 02 तक पहुंचने का एक सुराग मिल गया। DEA यानी ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के एक ऑफिसर रॉबर्ट मिलर अल्फा 02 की तलाश में कंप्यूटर के सामने बैठे थे कि अचानक उनको एक ईमेल रिसीव हुई। इस ईमेल में अल्फा 02 के बारे में कुछ लिखा था और ईमेल भेजने वाला कोई नामालूम शख्स था। अब ये तो आप सबको पता होगा कि नॉर्मली जब भी किसी वेबसाइट पर रजिस्टर किया जाता है तो एक वेलकम ईमेल आती, ऐसे ही एक वेलकम ईमेल अल्फाबे की तरफ इस शख्स को भी आई थी जब ये प्लेटफॉर्म 2014 में नया लॉन्च हुआ था। और ये वेलकम ईमेल जिस ईमेल एड्रेस से आई थी वह ये एड्रेस हालांकि बाद में ये गलती फिक्स कर दी गई, लेकिन टिप देने वाले ने ये रियल ईमेल एड्रेस सेव करके रखा था जो उसने डीए के ऑफिसर रॉबर्ट मिलर के साथ ईमेल पे शेयर किया। ईमेल करने वाला शख्स कौन था? आया वो अल्फाबे का कोई कंपटीटर था, कोई कस्टमर या फिर कोई ड्रग डीलर? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब DEA को अल्फा 02 की सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी जो उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस ईमेल एड्रेस को इस्तेमाल करके बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साइन अप किया गया था। sky.com एक फ्रेंच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जिस पर इसी ईमेल एड्रेस के जरिए एलेक्स नाम से साइन अप किया गया था और इन्वेस्टिगेशन टीम को इसमें एलेक्स की 2008 और 2009 की फोटोज भी मिल गई जो कि शायद अल्फा 02 की ही थी। इसी ईमेल एड्रेस से एक डेटिंग प्रोफाइल भी लिंक थी जिसमें एलेक्स ने अपना होम टाउन थुआ रेवियर का नाम भी लिखा हुआ था जो कि कनाडा का एक शहर है। 2008 की इस प्रोफाइल के मुताबिक उस वक्त वो 17 साल का था और शायद ईमेल एड्रेस में 91 उसका ईयर ऑफ बर्थ है। इसी ईमेल को इस्तेमाल करके तो 2008 में ही उसने एक फ्रेंच टेक्नोलॉजी फॉरम पे भी पोस्ट किया था जिसमें उसका यूजर नेम अल्फा 02 जबकि पोस्ट के आखिर में उसका असल नाम लिखा हुआ था एलेक्जेंड्री केजिस। अथॉरिटी के पास अल्फा 02 का असल नाम आ चुका था लेकिन वह है कहां पर? लिंक्डइन की प्रोफाइल पर एलेक्जेंड्री ने खुद को सॉफ्टवेयर डिजाइनर शो किया हुआ था जबकि उसकी करंट लोकेशन के बारे में सबसे बड़ा क्लू फेसबुक से मिला। अथॉरिटीज को फेसबुक पर थाईलैंड की एक लड़की की प्रोफाइल मिली जो एलेक्जेंड्री की मंगेतर थी। एलेक्जेंड्री केजिस थाईलैंड ही रहता होगा। इस टिप की मदद से अमेरिकन अथॉरिटीज बैंकॉक पहुंच गए और थाईलैंड अथॉरिटी के साथ मिलकर उन्होंने ये मालूम कर लिया कि अलेक्जेंड्री ने बैंकॉक में कई प्रॉपर्टीज खरीद रखी। ये वक्त उसको पकड़ने का नहीं बल्कि चुपके से उस पर नजर रखने का था। उसका एक विला था जहां वो अपनी थाई बीवी के साथ रहता
दूसरा $3 मिलियन का मेंशन बैंकॉक के बाहर था, जहां वह अपनी अय्याशियां करता था। फुकेट में एक हॉलिडे होम और एक विला वो साइप्रस में खरीदने वाला था। एजेंट्स ने उसकी सारी हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दी। वो अपनी लेम्बोर्गिनी में बैंकॉक घूमता, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि थाईलैंड, अमेरिका और कनाडा के एजेंट्स उसका पीछा कर रहे हैं। अपनी रोजमर्रा जिंदगी में डार्क वेब का किंग एक नॉर्मल इंसान था। वह सुबह जल्दी उठता और तकरीबन सारा दिन घर में ही रहता था। इस सब के बीच अथॉरिटीज ने उसको अरेस्ट करने का प्लान शुरू कर दिया, पर मसला ये था कि अगर उसको ऐसे ही अरेस्ट कर लिया गया तो कोर्ट में साबित नहीं हो पाएगा कि ये शख्स अल्फा बे का मालिक है। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन टीम चाहती थी कि इसको रंगे हाथों पकड़ा जाए। जब वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, अल्फा बे बेशक ही डार्क वेब की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस थी, लेकिन इसका भी कंपटीटर था। यूरोप में हंसा के नाम से एक डार्क वेब वेबसाइट फेमस थी, जिसने यूरोपियन अथॉरिटी की नाक में दम कर रखा था। जिस वक्त अमेरिकन अल्फा बे के मालिक अलेक्जेंड्री को अरेस्ट करने के मंसूबे बना रहे थे, उसी वक्त यूरोपियन इन्वेस्टिगेटर्स को एक भरपूर कामयाबी मिली। उन्होंने हंसा मार्केट की सर्वर लोकेशन पता लगा लिया। शायद किसी मुखबरी की मदद से वो हंसा मार्केट के सर्वर बंद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि हंसा मार्केट नए सर्वर पर दोबारा चला दी जाएगी। उन्होंने चुपके से उसके सर्वर का डेटा कॉपी किया और एडमिन की चैट पढ़ने के बाद वो ये पता लगाने में कामयाब हो गए कि हंसा मार्केट का मालिक जर्मनी में रहता है। यूरोपियन अथॉरिटीज ने जर्मन फेडरल क्रिमिनल पुलिस के साथ मिलकर हंसा मार्केट के मालिक को ढूंढने की कोशिशें शुरू कर दी। इसी दौरान अमेरिका की FBI ने यूरोपियन अथॉरिटीज को बताया कि वह अल्फा 02 को अरेस्ट करके अल्फा बे बंद करने जा रहे हैं। अमेरिकन, यूरोपियन और जर्मन अथॉरिटीज समेत टोटल 7 मुल्कों की एजेंसीज ने इस ऑपरेशन को नया रंग देना चाहा, जिसको ऑपरेशन बेवनेट का नाम दिया गया। प्लान के मुताबिक यूरोपियन अथॉरिटीज ने FBI को कहा कि वो अल्फा 02 को तब तक अरेस्ट ना करे जब तक हम यूरोप की हिंसा मार्केट पर अपना कंट्रोल हासिल ना कर ले। ये एजेंसीज का काफी चालाक फैसला था। डार्क वेब पर नॉर्मली ये होता है कि जब एक वेबसाइट बंद होती है तो डीलर्स और कस्टमर्स सिंपली दूसरे वेबसाइट पर शिफ्ट हो जाते हैं। हंसा मार्केट क्योंकि दूसरी बड़ी डार्क वेबसाइट थी, इसीलिए जब अल्फा बे में बंद होगी तो सारे डीलर्स हंसा मार्केट पे शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि पहले से यूरोपियन अथॉरिटीज के कब्जे में होगी। इससे हजारों नए डीलर्स को पकड़ा जा सकेगा। ऑपरेशन बेयोनेट एक तरह का हनी ट्रैप। इस सब के पीछे अलेक्जेंड्री केसेस को किसी चीज का इल्म नहीं था। वो बैंकॉक में अपनी अय्याशियों में व्यस्त था। 20 जून 2017 को मिशन का पहला हिस्सा कामयाब हो गया। यूरोपियन अथॉरिटीज ने एक ही वक्त में हंसा मार्केट में डाटा सेंटर को नीदरलैंड में रेड किया और उसी वक्त जर्मन अथॉरिटीज ने जर्मनी के शहर सिगिन और कोलोन में उनके मालिक को भी अरेस्ट, लेकिन ये खबर पब्लिक नहीं की गई। हंसा मार्केट अब यूरोपियन अथॉरिटीज के कंट्रोल में थी और इस बात का डार्क वेब पर किसी को भी जानकारी नहीं था। उधर बैंकॉक में मिशन का दूसरा पार्ट यानी अलेक्जेंड्री केसेस को अरेस्ट करने की तैयारियां शुरू हो गई। DEA, FBI और थाई अथॉरिटीज चाहती थी कि अलेक्जेंड्री को रंगे हाथों पकड़ा जाए जब उसका लैपटॉप और उसका मोबाइल खुला हुआ हो। इसी मकसद से उन्होंने अपने टोयोटा कैमरे में अपनी एक फीमेल एजेंट्स को बैठाकर टास्क दिया कि वो अलेक्जेंड्री के विला पर जाकर झूठ मूठ का एक्सीडेंट करे और गाड़ी उसके गेट से ठोक। इससे होगा ये कि अंदर मौजूद अल्फा 02 या अलेक्जेंड्री अचानक अपना सब कुछ छुला छोड़कर बाहर निकलेगा। खुदकिस्मती से वैसा ही हुआ जैसा कि प्लान किया गया था। 5 जुलाई 2017 को सुबह को जब टोयोटा कैमरे अल्फा 02 के गेट से टकराई तो वो खुला लैपटॉप छोड़कर अपना अनलॉक मोबाइल लेकर बाहर निकला। उसी वक्त कई ऑफिसर्स ने उनको पकड़ लिया और अंदर आकर उसके लैपटॉप का कंट्रोल संभाल लिया, जिसमें अल्फा बे का कंट्रोल पैनल खुला हुआ था। अलेक्जेंड्री केजेस रंगे हाथों पकड़ा जा चुका था। अथॉरिटीज ने लैपटॉप की छानबीन के बाद उसके सारे पासवर्ड्स कॉपी कर ली। उसकी गाड़ियां, प्रॉपर्टीज और मिलियन डॉलर्स की क्रिप्टो करेंसीज जब्त कर ली गई। पर यही अलेक्जेंड्री कोर्ट में पेश होने से पहले ही मरने वाला था। अलेक्जेंड्री को अरेस्ट हुए अभी एक हफ्ते हुआ गुजरा था कि उसने कस्टडी में ही खुद को पंखे से लटकाकर अपनी जान दे दी। सिर्फ एक छोटी सी गलती डार्क वेब की किंग का सब कुछ बल्कि उसकी जान भी ले गई। उधर अल्फा बे को बंद करने के बाद जैसा कि सोचा गया था, सारे डीलर्स और कस्टमर्स ने हंसा मार्केट का रुख किया, जो कि खुद यूरोपियन अथॉरिटीज की कब्जे में था। हजारों नए डीलर्स के पकड़े गए और हफ्ते बाद हंसा मार्केट को भी हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उसी दिन US जस्टिस
डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली इस ऑपरेशन के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस और डार्क वेब के दो बड़े प्लेटफॉर्म्स को बंद करने की खबर मीडिया से शेयर की। तो दोस्तों, अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।